मैं रश्मि सक्सेना दुबे हूँ और मैं प्रोफेशनल सिंगर हूँ, एक्टर हूँ, डांसर हूँ और एक हीलर हूँ। यहाँ तक पहुँचने की जर्नी कैसे रही आपकी? शुरू से ही मैं 3 साल की उम्र से स्टेज पे शोज़ करती आई हूँ, सिंगिंग के, डांस के, एक्टिंग भी करती रही हूँ और स्टेज से और दर्शकों से मुझे बहुत प्यार है। वो मेरी एनर्जी है, उनसे एनर्जी मिलती है, मुझे ऑक्सीजन मिलती है। और जब मैं हर एक की लाइफ में, मेरी हो या इस संसार में कोई भी मनुष्य है, सभी की ज़िंदगी में बहुत स्ट्रगल है, स्ट्रेस है, तकलीफ़ें हैं, दुख दर्द हैं, लेकिन हर इंसान को किसी ना किसी चीज़ का एक सहारा लेके अपने स्ट्रेस को रिलीफ करना ज़रूरी है और वो करना भी चाहिए। और मेरी लाइफ में भी बहुत तकलीफ़ें हैं। मेरा बेटा है वो स्पेशल चाइल्ड है, विज़न नहीं है उसकी आइज़ में, और बचपन से मेरे पेरेंट्स नहीं थे तो बबचपन का भी स्ट्रगल बहुत था, क्योंकि 3 भाई बहनों को अपने अलावा मुझसे जो छोटे थे उनको बड़ा करके, एजुकेशन, उनकी शादियाँ सब करके मैंने अपनी शादी की थी। उसके बाद मैं यहाँ मुंबई में आई थी। मेरे हस्बैंड राइटर हैं, टीवी सीरियल राइटर हैं, लेकिन जब हमारा बेटा हुआ तो उसकी आइज़ में प्रॉब्लम था और वो बाद में सर्जरी के बाद उसका विजन पूरा चला गया। तो स्ट्रगल इतना ज़्यादा था कि उसके लिए मुझे ऐसा लगा कि इसको कैसे कम किया जाए। तो मैं वापस अपनी छोड़ी हुई जो चीज़ें थी, सिंगिंग थी, एक्टिंग थी, डांस था, वापस इसमें इसलिए आई कि हमारी जो पसंद की चीज़ें होती हैं वो हमें ज़रूर करनी चाहिए। उससे हम जितनी भी टेंशन है वो कुछ टाइम के लिए उससे बाहर निकल जाते हैं और वो बहुत ज़रूरी होता है। तो बस ऐसे ही मैं धीरे धीरे आगे बढ़ती रही हूँ। फिर अभी लॉकडाउन के बाद जब शो वगैरह स्टार्ट हुए तो फेसबुक पे परफेक्ट वूमन का मैंने ऐड देखा, फिर मैंने अप्लाई किया, मैं यहाँ आई खुशी जी से और गीत जी से मिली और बस यहाँ हूँ आपके सामने। क्योंकि किचन से निकल के यहाँ तक पहुँचना बहुत बड़ी बात है, 10 लोगों की परमिशन को 10 लोगों की परमिशन देनी पड़ती है, फैमिली में, हस्बैंड से, सबसे, तो आपके लिए कितना मुश्किल था ये? मेरे लिए मुश्किल परिवार से इजाज़त लेके कुछ करना है वो नहीं है, मेरे लिए खुद की ही सीमाएं हैं, क्योंकि मेरा बेटा मुझ पर पूरी तरह से डिपेंड है, इसलिए मैं एक अपनी सीमा में रह के ही काम कर सकती हूँ। अगर वो खुद से सब कुछ कर रहा होता तो मैं बहुत फ्री होती। मेरे हस्बैंड चूँकि मीडिया में हैं और आज 95 से इसी मुंबई में ही वो काम कर रहे हैं, तो उन्हें पता है कि बाहर जाके काम करना क्या होता है, और उन्होंने मुझे कभी भी ये नहीं कहा कि तुम ये मत करो या वो मत करो। बस ये है कि घर में राय लेके हम जो करें कर सकते हैं, उतनी दिक्कत नहीं है। मदर इन लॉ का प्रॉब्लम था लेकिन अब वो इस दुनिया में नहीं है, वो थोड़ी सी पुराने ख्यालात की थी, लेकिन वो भी शायद मान जाती हैं अगर होती तो कि हाँ ये कर रही है तो करने दो, ऐसा कुछ नहीं है। दुबे बोले तो यूपी से बिलोंग करते हैं आप? जी, मेरे हस्बैंड ब्राह्मण हैं, मैं कायस्थ हूँ, मैं सक्सेना हूँ, मेरे हस्बैंड ब्राह्मण हैं। तो ये चीज़ें जो हैं, क्राउन कितना इम्पोर्टेंट है आपकी लाइफ के लिए? ये जो सर पे पहना है ताज जी, ये सोचे तो कुछ भी नहीं है, बड़ी बहुत बड़ी चीज है सोचे जी, क्या कहते हैं इसके बारे में? हाँ, ऐसा होता है कि लोगों के लिए ये होता है, देखने वालों की नज़र में ये होता है कि ये शायद हमसे बेटर हैं, इसीलिए उनको ये मिला, तो ये क्या करके यहाँ तक आए हैं वो जानना चाहते हैं वो लोग। और हमें भी अगर कुछ चीज़ें ऐसी कहना है जो हम कह सकें उनसे, उनको प्रेरित कर सकें कि आप भी ये कर सकते हो, उसके लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि अगर हम पहने हुए हैं और हम ये बोल रहे हैं कि हाँ आप भी घर से निकल सकती हो, आप भी ये सब कर सकती हो, उम्र का कोई बंधन नहीं है, तो उसमें ये सपोर्ट करता है। कोई ऐसा वाक्या बताएंगे जिसको आपको मना किया हो, कहाँ जा रहे हैं, नहीं हो, अच्छे लोग नहीं करते हैं, आप इस उम्र में जाओगे अभी, वो तो लड़कियों का काम है, ऐसा वाक्या शेयर करेंगे कोई? किसी ने मना किया आपको? किया तो होगा। मैंने कहा ना, मुझे मैं इस मामले में शायद मैं लकी हूँ कि मैंने कहा ना, मेरे हस्बैंड इस फील्ड में हैं, तो मेरे लिए तो बल्कि ये सपोर्ट है कि मैं उनसे राय ले लेती हूँ कि ये जगह ठीक है कि नहीं, मैं यहाँ जाऊँ कि नहीं, ये सब करूँ कि नहीं, तो वो चीज़ मेरे लिए नहीं। हाँ, आज से काफ़ी साल पहले जब मेरी मदर थी, वो ज़रूर, मैं छोटी सी थी, कहीं डांस करके आती थी तो चिढ़ती थी, वो गुस्सा करती थी, बल्कि उल्टा था कि मेरी मदर कहती थी कि ये सब मत करो, सिर्फ पढ़ाई लिखाई करो, तुम्हें कुछ बनना है और हम कायस्थ हैं, हम पढ़ सकते हैं और पढ़ के हमें एजुकेशन के डिपार्टमेंट में ही कलेक्टर बनो, कुछ ऐसा काम करो, ये सब मत करो। उनके लिए ज़रूर था, वो टाइम भी और था, ये टाइम और है, पहले इतना खुले विचारों के लोग नहीं हुआ करते थे। क्योंकि
कितना प्राउड फील करते हैं आप ये ताज को पहनकर? मैं मतलब अच्छा लग रहा मेरे चेहरे के स्माइल से देखे खुश हूँ, बहुत खुश हूँ और शुक्रिया अदा करना चाहूँगी खुशी जी का और गीत जी का कि वो लोग इस तरह से स्टेज देते हैं, इस तरह से महिलाओं को आगे बढ़ा रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। खुशी जी आपसे जानना चाहेंगे इस तरह के अगर पार्टिसिपेंट आते हैं तो आपको किन किन से परमिशन लेनी पड़ती है, क्या क्या जानी है, क्या क्या मतलब इंक्वायरी करते हैं? हाँ, जब ये पार्टिसिपेंट्स आते हैं वो लोग तो पहले ही खुश हो जाते हैं जब हमारे नॉर्म्स पढ़ते हैं कि दिस इज़ द ओनली पेजेंट वेयर देयर इज़ नो क्राइटेरिया, जिसमें पार्टिसिपेशन के लिए नहीं है और हाइट नहीं है। जब मिसेस हैं हम इतना कहते हैं कि शादीशुदा होना चाहिए, जब मिस हैं तो वो सिंगल होने चाहिए, बाकी एज की कोई दिक्कत नहीं है। आप ये कल जो हमारा परफेक्ट मिस अभी होने वाला है उसमें भी एज की कोई सीमा नहीं, तो ये एक अच्छी खुशी है। लेकिन जब जूरी डिसाइड करती है तो जूरी ये ज़रूर देखती है कि वो अपने जब रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी तो उसको हैंडल कर पाएंगे या नहीं, ये एक चीज़ होती है। क्योंकि कोई भी आप कहीं पर भी जाए, आज आप कोई भी क्षेत्र में जाते तो